Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Fanny and go back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. If you're new, welcome. If you're not, welcome back. Thank you for 20,000 subscribers. Please guys, motivate me by specifically giving me stuff to react to. You can give me the name or the link down below and I'll be more than glad to react to it. So today, big shout out to the person that suggested this. They suggested I react to Why is India Great 2 part 2, I guess. I don't know if I reacted to part 1. I don't think I reacted to part 1, but I'm reacting to part 2 today. So without wasting time, let's get into the video. हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion or uneven social stratification. यह हमारा system, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No. नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी संस्कृति, सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हीमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया, रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज़ लगभग 1,00,000 लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3,00,000 से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का तीर्थ जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था, यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है। जगह जगह लंबी कतारें हैं,
और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और, विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। एंड वी हैव रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर, एवरीवन इज गारंटीड देयर राइट्स इन आवर कंट्री। और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहां सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जेगुआर, लैंड रोवर इन द टाटा ग्रुप, एंड CEO ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पेप्सिको एंड मैनी मोर। अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st Century Fox, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है, माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाकी नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53° सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4° सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं, और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं, वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है, ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम।
very, very interesting, and I hope it actually has subtitles when I post it, because the one I'm watching actually has some. There's so much to learn. I feel like we limit ourselves, because I wouldn't even have known some of this stuff in this video if I didn't watch it, if the person that suggested this didn't suggest it. But the food part, that one always gets me. I really, really love food, and I think the only reason I'd love to travel the world is to test different foods from different parts of the world, because that one, that speaks to my soul all the time. I was even salivating while watching this, and I could really eat something right now. Let me know what you guys think. I really don't have much to say, because everything was explained to you and I. Did you love this? Do you want me to react to more of these? If yes, please give me the name or the link to whatever you want me to react to, and I'll react to it. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.